जमशेदपुर लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने घाटशिला के फुलडुंगरी स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता किया। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि उनका चुनाव चिन्ह ट्रक छाप है एवं क्रम संख्या 18, इस पर भारी से भारी मतों से मतदान कर विजय बनाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी इस क्षेत्र से जीत होती है तो वादे के मुताबिक लोगों को सबसे पहले पानी या रोजगार मुहैया कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यहाँ के नेताओं द्वारा पूर्वी सिंहभूम की दशा और दिशा की हालत बदल दी गई है। भाजपा व झामुमो के नेता जनता को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्णरेखा परियोजना आज तक फाइनल नहीं किया गया है, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा सकी है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करके काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि कोल्हान की सबसे बड़ी अस्पताल MGM है, जिसकी दुर्दशा देखी नहीं जाती, काफी शर्म की बात है। अस्पताल की दुर्दशा इस तरह की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जीत होती है तो SCL को चालू करेंगे और घाटशिला को जमशेदपुर से सुंदर क्षेत्र बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी काम कैसे करनी है मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो सरकार में बैठे हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, वे सुधर जाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार भाजपा के प्रत्याशी को जिताने काम कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि इंडिया महागठबंधन उम्मीदवार समीर मोहंती के विधानसभा क्षेत्र में बालू की चोरी को छोड़कर उनका कुछ उपलब्धि नहीं है। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद एवं हर्ष राय की। और उलझाने का काम कर आप देखिए, अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने पूरे झारखंड के महत्व लोगों को उलझा दिया। रजिस्टर 2 में दर्ज करा के न CNT का अधिकार दिया और एक तरफ जमीन बेचने का अधिकार से उनको रोक दिया। ठीक है, वही काम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने 1932 का खतियान ला करके न तो उनको अधिकार दिया और न कोई हक दिया, बल्कि वो सारे लोगों को, पूरे झारखंड के लोगों को उलझाने का काम किया। तो हमको ऐसा लगा कि हम जो मान लीजिए राजनीति करना किसी न किसी उद्देश्य, किसी न किसी लक्ष्य से करता है आदमी, तो मेरा लक्ष्य जो है प्योरली जनसेवा है, वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर है। और मेरे को ईश्वर कमाने खाने के लिए दिए हैं और सारी व्यवस्था है मेरे पास, माने हम अपने लिए उतना उपार्जन कर लेते हैं और अपने साथ जो लोग हैं उसके लिए भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि जब यदि लक्ष्य जो है पब्लिक वेलफेयर है और यहाँ जो दशा दिशा है पूरे पूर्वी सिंहभूम का, लोग मान लीजिए आते हैं जो आशा और विश्वास के साथ हमारे पास, जब हम लोग उसको बोलना चाहते हैं या किसी को पैरवी करते हैं तो वहाँ जो है ना, वहाँ रिप्लाई अच्छा नहीं मिलता। वहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इन लोगों की घोर अनदेखी हो रही है अपने पार्टी में भी। और अपने जो पार्टी के लोग भी हैं वो भी माने लोगों को जो जिस आशा विश्वास के साथ वो आते हैं कि भाई इनका लोग सरकार में है, इनके मंत्री हैं, इनके वो हैं, वो माने वो फीडबैक या रिप्लाई नहीं मिलता, वैसा रेस्पॉन्स नहीं होता। तो हमको लगा कि कहीं ना कहीं जो है ना ये जो साठ गांठ है जिसके चलते जो है ना ये खाली जनता को बरगलाने वाली है। तो मैं तो पिछले जो है ना पिछले चुनाव में 2019 में भी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का दावेदारी किया हुआ था, जब मंत्री जी हमारे बन्ना जी जो है ना भाजपा कांग्रेस खेल रहे थे, तो उनका माने पॉसिबिलिटी था कि वो चले जाएंगे, तो मैं कांग्रेस से ट्राई कर रहा था।
लेकिन हमको अहमद पटेल साहब थे उस समय बोले कि नहीं आप वेट कीजिए जब तक ये चले नहीं जाते हैं, तो चलिए वेट करने लगे। फिर ये 24 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो मैंने जब गहन चिंतन मंथन किया तो हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद महोदय हैं उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा बार बार प्लानिंग करके पूरी व्यवस्था करके उनके सामने एक डमी प्रत्याशी को उतार करके और उनको बार बार जिता रही है। 2014 में भी जो निरूप महंती आए थे वो जीतने नहीं आए थे, जिताने आए थे। उसके बाद आप देखिए मुख्यमंत्री जी खुद लड़े, उनका कार्यस्थल गम्हरिया और सरायकेला रहा है, उनका कभी जमशेदपुर से कोई लेना देना नहीं रहा, कभी राजनीति जमशेदपुर में नहीं की उन्होंने, है ना, करंडी छोड़ करके। लेकिन वो लड़े, वो भी लड़ करके उसको जिताने आए थे। अभी भी जो आपके सामने विधायक जी आए हैं, विधायक जी 5 साल से सरकार का अंग है और उनकी सरकार बहुमत की झारखंड में सब चल रही है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं या उनकी आप एक उपलब्धि बता दीजिए सिवाय बालू चोरी के। यदि बालू चोरी को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई उपलब्धि बता दीजिए। आप देखिए झारखंड के लोगों की पीड़ा, आप झारखंड में 5 साल से सरकार है, आज तक बालू रेगुलराइज नहीं हुआ। आप सोचिए कितने मजदूर आहत हुए होंगे, कितने लोग, कितने काम, जो भी बालू चल रहा है वो चोरी पे चल रहा है और सारे मंत्री और विधायक और सारे अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उस चोरी में, उसके कमीशन खाने में। तो हमको लगा कि ये जो सारा व्यवस्था है इस पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगनी चाहिए। और हमारा सोच है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। मैंने अपने पहले घोषणा पत्र में लिखा है कि दशकों से बंद केबल कंपनी और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो बंद है, सुरदा माइंस, राखा माइंस और स्लीपर फैक्ट्री और जितने भी खदान और उद्योग बंद हैं, पहले तो उसको तुरंत चालू करवाएंगे। और उसके लिए मुझे यदि ना प्रधानमंत्री से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन यहाँ के लोगों का जो दर्द देख रहा हूँ, जो मजदूरों में बेचैनी है रोजगार के लिए, रोटी के लिए, वो उसे दूर करने का मेरा पहला प्रयास है। यहाँ पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में कई ऐसे खेत हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा, आज से नहीं, माने हमको लगता आजादी के बाद से कभी प्रयास नहीं हुआ। आप देखिए जो स्वर्णरेखा परियोजना है आज तक फाइनल नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है ना, जैसे बंगाल में तालाब और बांध बना करके जो आसपास के खेत हैं उनको सिंचाई का उपलब्ध करा करके मैं किसानों को समृद्ध बनाऊंगा, उनको जो है आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा, वो मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। आपको मैं बता दूं, हर प्रखंड में सरकारी आईटीआई कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बना करके यहाँ के युवाओं को, जो केवल मजदूर बनने के लिए उनको विवश किया जा रहा है, उनको टेक्निकली एडवांस बनाएंगे ताकि उनको जो है ना एक अच्छा जीवन मिल सके, आने वाला भविष्य उनका उज्जवल हो, उसके लिए भरपूर प्रयास करेंगे। और ये जो ठगी का व्यापार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी जो गेम प्लान कर रही है, प्लानिंग करके लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को केवल बरगला रही है, इन दोनों का खेल समाप्त करेंगे। इन दोनों लोगों को झारखंड से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल MGM अस्पताल, उसकी दुर्दशा देखिए। स्वास्थ्य मंत्री का घर 2 किलोमीटर दूर है। आप सोच लीजिए यदि आज भी इमरजेंसी में और अन्य वार्डों में दुर्दशा का शिकार है लोग, डर का मारे नहीं जाते हैं वहाँ कि कहीं बच के आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। आप एक देख लीजिए, पूरे ग्रामीण क्षेत्र हमारा झाड़ग्राम, पुरुलिया और जो है बारीपदा के भरोसे इलाज कराने को विवश है। ये झारखंड के लिए कितनी शर्म की बात है, आप बताइए। ये झारखंड, आज झारखंड को अपना सरकार क्यों दिया या झारखंड को अलग करके क्या फायदा है यहाँ के लोगों को? यदि आज झारखंड का सरकार है और यहाँ के लोग बंगाल पे आश्रित है और उड़ीसा पे आश्रित है, कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं। आप देखिए हमारा पूरा शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र, अभी घाटशिला में भी कई जगह पानी की दिक्कत है। आपको शहरों में बताएं, जितने कंपनी एरिया और गैर कंपनी क्षेत्र में जमीन आसमान का अंतर है। बेचारे लाचार बिचार
आप देखिए कंपनी छोड़ के जितना भी अर्बन एरिया है उसको टाटा कंपनी की दादागिरी देखिए, उसने आज दशकों से उसको बिहार सरकार, अवैध बिहार सरकार घोषित करके, और वो अपना कंपनी एक्ट का वायलेशन कर रही है और सारे लोग टाटा कंपनी की चापलूसी में लिप्त हैं। आप देखिए टाटा कंपनी को जमशेदपुर नगर निगम नहीं बना करके और औद्योगिक नगर बना के कितना बड़ा स्कैंडल करना चाह रहे हो कि लोगों को तीसरे मत का अधिकार ही नहीं मिले। मैं आपको बता देता हूं कि जमशेदपुर में यदि मैं जीता, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जमशेदपुर नगर निगम ही बनेगा। मैं टाटा स्टील की दादागिरी नहीं चलने दूंगा और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। और इन सारे विषयों पर जो घोषणा पत्र मेरे हैं, मैं बिंदुवार काम करूंगा और करके दूंगा। मैं लोगों की आशा और आकांक्षाओं को भरपूर पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि वो पूरा करने का पूरा पहला प्राथमिक दायित्व है मेरा। और ये मेरा दायित्व होगा यदि जनता मुझे एक वोट दे या 100 वोट दे, उसके बाद भी मेरा सारे जो हमारे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के मतदाता हैं उनका मैं उत्तरदायित्व लेते हुए एक एक व्यक्ति की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपको, मैं जीतूं या हारूं, आचार संहिता 6 जून को ख़त्म हो रही है, 7 जून से मैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों से आशीर्वाद लेकर के जनता के समस्याओं के लिए संघर्ष यात्रा चालू कर रहा हूं और तब तक लड़ूंगा जब तक एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। जो भी मुझे लिख करके देगा कि मेरे साथ ये समस्या है, मुझे जिससे लड़ना होगा मैं लड़ करके उसकी समस्या का समाधान दूंगा, उनके लिए न्याय दिलाऊंगा। मैंने तो कही दिया ना, पहला प्रयास होगा HCL को चालू करवाएंगे और घाटशिला को जमशेदपुर से सुंदर शहर बनाएंगे। उसके लिए मुझे जो करना होगा, मुझे पता है कैसे किया जाता है और कैसे होता है, उसके लिए मुझे किसी से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग सरकार में बैठे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उनके लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप अपना सुधार कीजिए। भाजपा घाटशिला विधानसभा पूर्व प्रत्याशी लखन मांडी ने भाजपा प्रत्याशी विद्युत रमन महतो के पक्ष में बुधवार को गुड़ाबांधा प्रखंड की सिंहपुरा पंचायत के डूंगरगोड़ा और फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के मुडा ठाकुरा रेडूरा आदि गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार विद्युत रमन महतो को भारी से भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। मौके पर रामचंद्र हेम्ब्रम, राम मांडी, राजेंद्र पात्र, तारापद कुइला, राजीव पात्र, चित्तो श्रीपत्थर, कालू धीवर, राहुल आदि उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की।